तो चलिए आज बनाते हैं टमाटर की बहुत ही टेस्टी स्पाइसी चटपटी चटनी, जिसे हम कई जगह पे यूज़ कर सकते हैं, पिज़्ज़ा बनाने में, मोमोज के साथ और भी कई चीज़ों के साथ आप इसे खा सकते हैं और आप इसे स्टोर करके 4 से 5 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने टमाटर इस पर कट लगाया और इसे बॉयल पानी में डाल दिया है हल्का सा बॉयल होने के लिए। फिर इसमें 5 से 6 मिर्च डाली, एक मीडियम साइज़ का मैंने इसमें प्याज डाल दिया। लास्ट में हमें लहसुन डालना है और उसके बाद 2 मिनट बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देना। फिर सभी को हमें तुरंत ही निकाल लेना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गल जाएगा तो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें टमाटर के जो छिलके हैं ना, वो सारे छिलके निकाल देने हैं। देखिए इस तरीके से बहुत ही ईजिली निकल जाते हैं। और बाकी चीज़ों को हमें छन्नी में छान लेना है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा वाटर हो ना वो निकल जाए। तो मैंने इन सभी को देखिए इस तरीके से निकाल लिया है और नाइफ़ की हेल्प से हल्के हल्के कट लगा दिए, जिससे कि इसे ग्राइंड करने में ईजी रहे। और ये जो प्याज था ये भी बॉयल हो गया है, तो इसे भी हमने छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लिया है। और बाकी लहसुन मिर्च हमने इस तरीके से सारी एक ही जगह पे रख दी है। 5 से 6 मैंने इसमें काजू लिए हैं, आप काजू को स्किप कर सकते हैं, पर अगर है तो आप डाल दीजिए, इससे बहुत क्रीमी सा टेस्ट आएगा। इन सभी को हमने अच्छे से पीस लिया है। अब हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें करीब 1 टेबल स्पून बटर या ऑयल डालेंगे, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें जो हमने बटर पीस के रखा था ना टोमेटो का, वो डाल देंगे और इसे करीब 5 मिनट तक हमें पकाना है। इसमें हम थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और अगर आप स्पाइसी करना चाहते हैं तो लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए थोड़ा सा। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें विनेगर डाला है और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें टोमेटो केचप डाला है। नमक मैं आपको बता चुकी हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। और इन सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें अभी 2 मिनट तक इसे और पकाना है। पकने से क्या होगा, इसकी कंसिस्टेंसी जो होगी वो भी अच्छी हो जाएगी और ये 2 से 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक आप इसे स्टोर भी कर सकेंगे। अब इसे हमें किसी कांच के बर्तन में या स्टील के बर्तन में पलट लेना है और ठंडा होने देना है। ठंडे होने के बाद ही हमें इसे फ्रिज में रखना है। वीडियो आप सभी को अगर यूज़फुल लगी है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय माता दी।